बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोग को अल्टरनेट क्वेश्चन बारी बारी से करने वाला क्वेश्चन बताएंगे कि जैसे दो आदमी किसी काम को करते हैं और वो कहे उन दोनों में झगड़ा हो जाए तो कहे कि हम एक दिन करेंगे दूसरा दिन तुम करना। ऐसे क्वेश्चन आज बताएंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग आराम से देखें तो प्रॉब्लम का कोई चीज़ ही नहीं बनता है। ये बात तो हम पहले से ही समझ चुके हैं। आपको बस अच्छे से देखना होगा। क्या दिक्कत नहीं ना? देखेंगे ना? बोलिए। सही, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट नाउ। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर दो। फास्ट फास्ट पी की वे काम को क्रमशः 12 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और क्यू कार्य प्रारंभ करें तो कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? बताइए जितना जल्दी फास्ट हो सके बता दीजिए। कितना जल्दी आप बताते हैं? 12 60। पी का 12 और क्यू का 60। आ गया आ गया। ऐसे 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 करना है, ऐसे करना है। पी क्यू एलसीएम 12 60 के एलसीएम 60। इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 1। कौन कर्म प्रारंभ करेगा? पी क्यू पी ऐसा ना, क्यू पी ऐसा ना। कितना दिन पर हो जा रहा है? कितना दिन पर? रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब बार बार आना को रिपीटेशन कहते हैं, रिपीट करना। तो ये रिपीटेशन 1 और ये हो गया 5। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 दिन में 6 रसगुल्ले उड़ रहे हैं। कितने रसगुल्ले उड़ रहे हैं? 2 दिन में 6 रसगुल्ले। तो हम कह सकते हैं 2 दिन में कितने रसगुल्ले भाई? 6 रसगुल्ले। 2 दिन में 6 रसगुल्ले कितना उड़ाना है? कितना उड़ाना है? 10 60। कितना से गुना कर दें? 10 से। कितना से गुना कर? 10 से। आंसर मेरे को मिल जाएगा 20 दिन। टोटल रसगुल्ले शॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 20 दिन। कितना हो जाएगा? 20 दिन। देख लीजिए क्या करना है। वो कौन पहले? क्यू, क्योंकि कह रहा है क्यू क्यू पी क्यू पी। 2 दिन में रिपीटेशन कितने दिन पर? 2 दिन पर। कितने काम 2 दिन में? 6। 2 दिन का वैल्यू 6। कितना से गुना कर दे? 60 हजार। अभी हो रहा है कितना से गुना कर दे कि वो आ जाए। यदि नहीं आता तो इतना से गुना करते कि या तो कम रह जाए तो उसके बराबर हो जाए। अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे भाग दिया जाता है ना, वैसे ही काम करना है आपको। हटा रहे हैं। इस नियम को भी पालन कर सकते हैं। किस नियम को? किस नियम को पालन कर सकते हैं? इन दोनों के जोगफल से ये कट रहा है क्या? 5 1 6 से तो 60 भागे 6 कट रहा है। कितना बार में भाई? 10 बार में। तो 10 का 2 गुना 10 गुने 2 बराबर 10 दूना के 20। 10 दूना के 20 कब? जब इन दोनों के जोगफल से ये कटे तब। इन दोनों के जोगफल से ये कटे तब ये नाम नियम लागू होता है। कितने लोग हैं? 2 लोग। तो इसलिए 10 दूना के 20। 3 लोग होते 10 3 30। समझ पा रहे होंगे? हटाएं इसको। हाँ, यहीं पे एक चीज़ अब बताना चाहते हैं। कुछ यहीं पर अगले क्वेश्चन के लिए कुछ पॉइंट आउट यहीं पर कर देना चाहते हैं। क्या कर देना चाहते हैं? मान लीजिए क्या मानना है? कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इतना ना होकर 63 होता। कितना होता? 63 होता। हकीकत में इन दोनों का एलसीएम 63 नहीं होगा, होता बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखते 1 5 1 5। 2 दिन का काम कितना भाई? 2 दिन का काम तो 5 1 6। कितना से गुना करे कि 63 हो जाए? इसमें कितना से गुना करे कि 63 हो जाए? तो कहिएगा सर 63/6 से। ऐसा गुना नहीं किया जाता है। कभी भी गुना किया जाता है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में गुना नहीं किया जाता है। नहीं, 63/6 से 6 में गुना करेंगे 63 आ जाएगा। 63/6 में 6 से गुना करेंगे 63 आ जाएगा। लेकिन हमको गुना क्या करना होगा? 1 से नहीं तो 2 से नहीं तो 3 से नहीं तो 4 से नहीं तो 5 से नहीं तो 6 से। ऐसे ही तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो आएगा 60 और 11 से गुना करेंगे तो आएगा 66। जबकि हमको या तो इससे कम होना चाहिए नहीं तो इसके बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद 6 से 11 में गुना करेंगे तो 11 6 66। तो हमको कौन सही है, उचित कौन है? देखिए तो कौन उचित है आप बताइए। कि 10 से गुना करना उचित है कि 11 से गुना करना उचित है? तो कहिएगा 10 से। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं
गुना करना है, या तो ये आ जाए, नहीं तो इससे कम रहे, इससे अधिक ना हो, जैसे ये 66 नहीं, बात समझ पाए। तो इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन में ये काम आएगा, जो चीज हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 3 नंबर आपके रेंज में है, आपके रेंज में है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी किसी काम को 10 तथा 12 दिनों में सौंप कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से एक ही दिन कार्य करें तथा कार्य बी प्रारंभ करें तो कुल कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएंगे, बोलिए। फास्ट बोला जाए, बोला जाए। आ गया, आया क्या? बोलिए 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 बोलिए, दिख तो रहा है, बोलिए आया कि नहीं। हाँ अब हम देख रहे हैं, ए बी, ए बी एलसीएम कितना हो, 10 12 का एलसीएम होता है 60, तो ये हो गया 6 बार में, ये 5 बार में। प्रारंभ कौन किया, बी, तो आएगा बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसा ही ना आएगा। पहले वो नियम देख लेंगे, क्या ये दोनों के जोगफल से ये कट रहा है, तो 6 5 11 नहीं कटता है, तो उस नियम को नहीं लगाएंगे। तो अब कहेंगे बी को पहले 5 उसके बाद 6 फिर उसके बाद 5 उसके बाद 6। रिपीटेशन कितने दिन पर, कितने दिन पर रिपीटेशन, कितने दिन पर, 2 दिन पर। देखिए 2 दिन के बाद वैसा ही सीरीज आ रहा है, बी ए फिर बी ए फिर बी ए, तो इसी को रिपीटेशन बोला जाता है। रिपीटेशन कितने दिन पर, 2 दिन पर। 2 दिन में कार्यवाही कितना हुआ भाई, 2 दिन में, 2 दिन में हुआ कितना, तो 2 दिन में 11 रसगुल्ले खाए गए। कितना से गुना कर दें कि 60 आ जाए, तो 5 से गुना करेंगे तो 55, 6 से गुना करेंगे तो 66। तो 5 से गुना करना उचित है कि 6, बताइए। 5 से गुना करेंगे तो 55, 6 से करेंगे तो 66, तो इसलिए गुना करना उचित है 5 से, तो गुना करेंगे 5 से, गुना करेंगे 5 से। तो इस प्रकार मेरे को मिल गया कितना, तो मिल गया 10, इधर मिल गया कितना, 55। इसका मतलब मेरे को अभी तक मिला है 10 दिन में 55 रसगुल्ले खाए गए, बात समझिए बाबू, बात समझिए। कभी भी जिससे 5 से 10 से 15 से गुना होता है ना, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, कभी भी जो गुना होता है वो हमेशा हमेशा जुग्म को लेकर गुना होता है। इसका मतलब ये हमेशा जो आपका जोड़ा है ना उसका गुना हो जाता है, जैसे इसको 1 जोड़ा, इसको 2 जोड़ा, इसको 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। कभी भी अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो कौन स्टार्ट करेगा, वही स्टार्ट करेगा जो शुरुआत किया था। जैसे ये कौन सा दिन है, 10 दिन, अब कौन सा दिन अगला आएगा, 11वां दिन। 11वां दिन कौन स्टार्ट करेगा, याद कीजिए, यहाँ पर बी आया पहला दिन, उसके बाद ए फिर बी फिर ए, इस पर क्लियर कीजिए, इस पर क्लियर कीजिए। ये पहला दिन है, ये तीसरा दिन है, फिर 5वां दिन, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। जो पहला दिन आता है वो तीसरा दिन आएगा, फिर 5वां दिन आएगा, फिर 7वां दिन आएगा, फिर 9वां दिन आएगा, फिर 11वां दिन आएगा। जो पहले काम स्टार्ट करता है पहला दिन, और दो आदमी हो, दो आदमी हो और जो पहला दिन स्टार्ट करेगा वो हमेशा विषम पर वो आएगा, यानी हम कह सकते ऑड नंबर पर आएगा हमेशा, पहला तीसरा पांचवा सातवां। पहला दिन बी किया फिर ए आया दूसरा दिन, तीसरा दिन फिर बी किया फिर चौथा दिन ए आया, फिर पांचवा दिन बी किया फिर छठवा दिन ए आया। मतलब हमेशा स्टार्टर विषम दिनों पर आता है, दो लोग हो तो हमेशा स्टार्ट करने वाला कौन सा दिन पाएगा, विषम पर। तो 11वां दिन कौन आएगा, बी या ए, तो 11वां दिन कौन आएगा, बी, कौन, जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट कौन किया है, बी। बी अब कितने रसगुल्ले बच गए ये देखेंगे, तो मेरे को रसगुल्ले थे 55 और कितने टोटल कितने थे 60, कितने समाप्त हो गए 55, कितना बचा है 5। अब कौन आएगा, बी, तो बी एक दिन आएगा टोटल रसगुल्ले खा जाएगा, अब इस स्थिति में 60 और ये हो गया 11, यानी आंसर कितना हो गया बाबू, 11 दिन और उसके बाद कितने रसगुल्ले गायब हो गए, 60 रसगुल्ले। इसको आराम से एक बार समझ लेंगे,
इस पर आगे बहुत माहौल बनने वाला है। इसको थोड़ा हटा रहे हैं, और भी जगह दे रहे हैं इसको, रुक जाइए, ऊपर से थोड़ा जगह दे रहे हैं। क्या हम बोले हैं इस बात को समझ लेना है। इधर देते हैं, ए बी 10 12 60 6 5 ऐसे, बी ए बी ए बी ए, ये दो दिन का काम, दो दिन पर रिपीटेशन होने चालू हो गया। बी का वैल्यू 5 और उसके बाद 6, 5 उसके बाद 6। हम देखे कि दो दिन में 6 5 11 11 रसगुल्ले कितना से गुना करें कि 60 हो जाए। तो 5 से गुना करेंगे तो होगा 55, 5 से गुना करेंगे तो होगा 55, और 6 से गुना करेंगे तो हो जाए 66। तो 6 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से इधर में 5 से दोनों तरफ, तो इधर मेरे को मिल गया 10, इधर मिल गया 55। अब यहीं पर बस रुकने वाला है, यह है कि टोटल रसगुल्ले 60 हैं जबकि समाप्त हुआ है 55, कितना बच गया 5। अब हमको ये देखना है, हमको ये देखना है क्वेश्चन में कि अब कौन आएगा। तो हम बोले हैं कि हमेशा स्टार्टर विषम दिनों पर आएगा। कौन स्टार्ट किया था? बी। तो 11वां दिन कौन आएगा? बी 11वां दिन। तो 11वां दिन एक दिन आएगा और टोटल का टोटल 5 रसगुल्ले खा जाएगा। इस प्रकार मेरे को हो गया 11 दिनों में 60 रसगुल्ले, यानी मेरे आंसर कितना मिला बाबू? 11। आंसर कितना मिला? 11। थोड़ा सा जो स्टूडेंट न्यू थोड़ा सा है उसको पेशेंस रखेंगे, एक दो क्वेश्चन और बनते बनते पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा फाइनली। लेकिन क्लियरिटी तो यहीं पर आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं मिल रहा है तो और मिल जाएगा, घबराइए मत, घबराना नहीं। हाँ, इसको हटा के एक शब्द बोल रहे हैं, इसको हटाकर एक शब्द बोल रहे हैं। अभी मेरे को क्या मिला इस बात को समझिए, एक हटा के शब्द बोल रहे हैं, यहीं पर एक सिखा दे रहे हैं। आइए एनर्जेटिक होकर समझिए बात को। बी ए बी ए बी ए, तो ये 5 6 5 6, एनर्जेटिक होकर समझिए कि दो दिन में ग्यारह, तो 5 से गुना, तो इधर हुआ था कितना 10 दिन, इधर हुआ था 55। बात समझिए, हम देख पा रहे हैं कि अभी 5 रसगुल्ले हैं। यदि गलती से यहाँ 60 ना होके ये 58 होता, कितना होता? 58 होता, बोल रहे हैं 58 होता है। तो अब कितना रसगुल्ले बचता है? 3 रसगुल्ले। 58 में से 55 तो गायब हो गया, कितना बचता है? 3 रसगुल्ले। पुनः बात समझिए, यदि यहाँ पर 60 रसगुल्ले ना होकर 58 ही होता, अगला क्वेश्चन में आएगा 58 ही होता, तो इसको कितना रसगुल्ले बच गया था? 3 रसगुल्ले। जबकि जो बी आता है 11वां दिन, वो कितना रसगुल्ले खाता है? कितना मांग करता है? 5 का। दिन भर में कोई 5 रसगुल्ले खाता है और 3 रसगुल्ला मिले तो दिन भर खाएगा कि पहला ही समाप्त कर देगा? इसका मतलब, इसका आंसर क्या होता? जब जितना खाने वाला क्षमता है उससे उसको कम मिले तो वह समय भी दिन भर नहीं लेगा। आप दिन भर में 20 ईंटें ढोते हैं तो आपको एक ईंटें ढोना होगा, तो आप एक घंटा आधा घंटा में ही ढो देंगे। वही बात हुआ कि ये दिन भर में 5 रसगुल्ले खाता है जबकि अब इसके पास मात्र 3 ही रसगुल्ले हैं, जबकि आना इसी को है। कहिएगा कैसे आना इसी को है? बोले तो हैं 11वां दिन कौन आएगा जो स्टार्ट किया था, 13वां दिन कौन आएगा जो स्टार्ट किया था, 15वां दिन कौन आएगा जो स्टार्ट किया था, 17वां दिन जो स्टार्ट किया था। तो इस स्थिति में 5 खा सकता है जबकि इसके पास अवेलेबल कितना है? मात्र 3। तो इसका आंसर हो जाता क्या? 10 पूर्णांक जितना बचा है रसगुल्ला उसको ऊपर, और जितना ये खा सकता है उसको नीचे। ऐसा क्यों लिखते हैं? इसका जवाब अगले क्वेश्चन में। चुकी इसलिए आपको आता है, चुकी इसलिए वो भी बता दे रहा है। सुनिए, इसको बात समझिए, क्या बोल रहे हैं? 10 दिन तो हो गया था, 10 दिन जो रसगुल्ले बचा था, तो कितने रसगुल्ले बचा था? 3 रसगुल्ले। और कितना ये खा सकता था आकर? 5 रसगुल्ले, इसको नीचे। इतना दिन आंसर होता है कब? जब इसके क्षमता भर नहीं मिलता तब। क्यों ऐसा हो रहा है? 3/5, इस बात को समझ लीजिए। अभी 3/5 क्यों हो रहा है? चूंकि 5 रसगुल्ले एक दिन में खाता है, तो बताइए 1 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा? 1/5 दिन में। इसलिए 3 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा? इसमें 3 जो बचा है
तो एक बटे पाँच है गुने तीन, इसलिए आ जाएगा तीन बटे पाँच दिन, आ जाएगा कि नहीं? वही तो लिखे थे कि जो शेष रिमेनिंग रसगुल्ला है ऊपर, जो इतना खा सकता है उसको नीचे दिन मिलता है इससे। अगले क्वेश्चन में इस पर विशेष बातों की, ज्यादा हो गया। इस पर एक शब्द बोले हैं, जिस बात को पकड़ लीजिएगा कि स्टार्टर हमेशा जो स्टार्ट करेगा वो हमेशा विषम दिनों पर आएगा। कब? जब दो लोगों की संख्या हो तब। क्वेश्चन नंबर चार बाबू, बना के दिखाइए। तो ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी कार्य को 25 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य प्रारंभ करें, तो कह रहा है कि कुल समय कितने समय में कार्य समाप्त होगा, ये बात बोल रहा है। बताइए फास्ट, कितना जल्दी आप बता पाते हैं वो बताइए। इसको एकदम आराम से बताएंगे, आराम से। आराम से क्या होता है कि एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप पहले बना तो दीजिए मेरे को। अब तक आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग देखें, बाकी लोग देखें। पहले ए प्रारंभ करेगा तो ए बी ऐसे काम होगा, ए बी ऐसे काम होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लें, ए बी ऐसे काम होगा। मतलब कितने दिन पर? दो दिन पर। दो दिन पर रिपीटेशन बन जाएंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, ए बी का एलसीएम 25, 20 का एलसीएम हो गया 100। ये चार बार में और ये पांच बार में, ये चार और ये पांच। दो दिन में कार्यवाही कितना का हुआ? दो दिन में कार्यवाही कितना का हुआ भाई? दो दिन में 9 रसगुल्ले पर काम हुआ, 9 रसगुल्ले समाप्त किए गए। कितना से गुना करें कि 100 हो जाए? इसमें कितना से गुना करें? 10 से गुना करेंगे तो 90, 11 से गुना करेंगे तो 99, 12 से गुना करेंगे तो 108। तो 12 से गुना नहीं करेंगे, कितना से करेंगे? 11 से 11 9 99, 11 2 22, 99 22। जो आगे बात बोले उस बात को पहला बात पकड़िए भैया, 23वां दिन कौन आएगा? स्टार्टर, जो स्टार्ट किया था। बोले है ना विषम दिन हमेशा स्टार्टर आएगा, 23वां दिन ए आएगा। कौन आएगा? ए आएगा, क्योंकि यही स्टार्ट किया था ना। 23वां दिन, 22 दिन हो गया है, 22 दिन हो गया है, 23वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। 23वां दिन के लिए उसे कितना चाहिए रसगुल्ले? 4। समाप्त कितने हो गए? 99। अवेलेबल कितने हैं? 1। अवेलेबल कितने हैं? 1। इसको चाहिए कितना? 4। इसको चाहिए 4 है, 1 चाहिए, 4 है, 1। 4 को एक दिन में खाता है, 4 को एक दिन में खाता है, तो 1 को, 1 को एक दिन से कम में, तो कितना दिन में? 1 बटे 4 दिन में। 4 रसगुल्ले को एक दिन में खाता है, तो 1 रसगुल्ले को 1 बटे में 3 दिन में खाएगा। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? तो 22 दिन, यानी 22 पूर्णांक कितना रसगुल्ले बच गया भाई? 1 रसगुल्ले। 99 समाप्त हो गया है, 1 रसगुल्ले, और ये कितना खा सकता है? 4 रसगुल्ले। तो 22 पूर्णांक 1 बटे में 4 आंसर, 22 पूर्णांक 1 बटे में 4 आंसर। पकड़ पा रहे हैं? पकड़ पा रहे हैं? सही पकड़ पा रहे हैं? देख लीजिए, दिक्कत है तो बताइए मेरे को। एक बार पुनः शब्द को समझाते हुए रिपीटेशन डाल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं बाबू? हम बोल रहे हैं इस बात से आप ताल्लुक रखते हैं क्या कि स्टार्टर हमेशा विषम दिनों पर आएगा। इसका मतलब ए स्टार्ट किया है तो हमेशा पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, नौवां दिन, 11वां दिन, 13वां, 15वां, 17वां, 19वां, 21वां, 23वां, यही ना आएगा? तो ये आएगा 4 और 5। दो दिन का कार्यवाही हम देखे तो दो दिन का हम देखे, दो दिन में हो गया कितना? तो 5 4 9। कितना से गुना करें 100 हो जाए? तो हमको लगा कि 9 से, 11 से, तो 11 2 22, 22 इधर हो गया, 99 समाप्त। कितना में से? 100 में से। कितना समाप्त? 99 समाप्त। 100 में से 99 समाप्त। बचा कितना? 1 रसगुल्ला। कितना दिन हो गया? 22 दिन। 23वां दिन कौन? स्टार्टर, स्वाद करने वाला। इसको कितने रसगुल्ले चाहिए? 4, जबकि है कितना मेरे पास? 1। तो इसका आंसर होगा 22 पूर्णांक
जितना है उसको ऊपर और जितना ये खा सकता है उसको नीचे। लेकिन ये नियम तब जब रसगुल्ले इससे कम हो, ये नियम कब, जब इससे रसगुल्ले कम हो। आइए यहाँ पर एक और शब्द अब समझाएंगे, लेकिन मानकर एक और शब्द समझाएंगे, मानते हुए एक शब्द समझाएंगे, एक शब्द समझाने जा रहे हैं। आइए अब उस पर भी बात कर लिया जाए, जरूरी है, मेरे को अब लग रहा है कि उसका जरूरी है। ये ए हो, ये बी हो, ये चार हो, ये पांच हो गया, और इसका वैल्यू आपका मान लीजिए कि 106 हो, कितना हो, 106 हो, 106 अपना से बोले हैं, इसका वैल्यू 106 हो, और मान लीजिए कि स्टार्ट करें ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो आप देखेंगे चार और पाँच, यानी कहेंगे दो दिन में नौ, कितना से गुना कर दें तो पुनः 11 से करेंगे तो 99, 12 से करेंगे तो 108, तो 12 से कर नहीं सकते, 11 से करना होगा, 12 से करेंगे तो हो जाएगा 108, और 108 लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास है कितना, 106। कितना से गुना करना होता है, या तो इसके बराबर आ जाए नहीं तो इससे कम रहे, इससे अधिक नहीं, तो मेरे को मिला 99, इधर मिला 22। अब बाबू समझिएगा, 11 से गुना करना समझ में आ रहा है ना, अब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत लॉजिक है, बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है, बात समझिए यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास टोटल रसगुल्ले 106 हैं, इस पर ये क्वेश्चन नहीं बताया, दूसरा ऐसे ही बता रहे हैं, 106 हैं कि समाप्त हो गया है 99, तो बचा कितना, 7, बचा कितना, 7, यानी 22 दिन में मेरे को समाप्त हुआ है 99, बचा कितना है बाबू, तो 7। 23वां दिन कौन आएगा, तो स्टार्टर कौन आएगा, और 23वां दिन आएगा, हम देख पा रहे हैं कि इसकी क्षमता तो चार खाने भर है, जबकि मेरे पास रसगुल्ले बच गए 7, 106 में से 99 घटाए तो कितना बच गया, 7, जबकि ये खा कितना सकता है, तो कहेंगे तू खा के निकल जाए, चल तू निकल जाए ये खा के, तो 23 दिन हो गया, और 23 दिन में अब हो गया 103 रसगुल्ले, अब कितने रसगुल्ले बच गए, अब कितने बच गए, 106 में से अब कहां तक पहुंचा दिए हैं, 103, अब कितने बच गए, अब बच गए 3, अब किसकी बारी है, 24वां दिन किसकी बारी है, अरे इसका काम हो गया, देखिए ना यहां पर देखिए किसकी बारी है, ये कितना खाएगा, 5, जबकि है कितना अवेलेबल, अब 106 में से 103 समाप्त, तो कितना बचा है, 3 अवेलेबल, कितना है, 3, तो अब लिख सकते हैं 23 पूर्णांक जितना बचा है, कितना बचा है, 3, और जितना खा सकता है उसको नीचे 5। आइए क्वेश्चन पकड़ते हैं, बात चलिए क्वेश्चन पर, कुछ समझा दिए, आधा अधूरा एंट्री मार गया होगा, उसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे पूरा एंट्री मार जाएगा, ऐसा हो ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। देखिए बाबू, जब तक से एग्जाम्पल सामने नहीं दिखता है ना, तब तक से कोई कह दिया कि मान लो कि तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, तो अगला कहता है पहले नौकरी कराइए दो तब मनवाना, वही बात है इसमें भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको करते हैं, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके रेंज में है, बताइए, इस बार फाइनल कॉन्सेप्ट, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, यही अंतिम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पर क्वेश्चन होंगे 3 गो वाला, 4 गो वाला, जो भी होगा क्वेश्चन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इस पर फाइनल हो जाएंगे। अब बोलिए फाइनल बोलिए आ गया क्या, जिसको आएगा ना वो इसको 10-10 सेकेंड 5-5 सेकेंड में उड़ाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आइए ध्यान दीजिए, आइए हम भी चलते हैं, हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, इस बात को समझेंगे, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, यही ना, उसके बाद रिपीटेशन कितने दिन पर भाई, 2 दिन पर, रिपीटेशन कितने, 2 दिन पर, अब उसके बाद एलसीएम ए बी एलसीएम कितना, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ये 3 और ये 4, 3 और ये 4, 2 दिन में कार्यवाही कितना का हुआ, 2 दिन बराबर 7, कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, तो 7 8 56
सात नवा तिरसठ, तो नौ से की आठ से, सात आठ छप्पन तो कम है और नौ सात तिरसठ तो अधिक है, तो अधिक तो लेना नहीं है, तो आठ से गुना, आठ से गुना, आठ से गुना, तो इस स्थिति में आ जाएगा आठ गुना का सोलह, इधर आ जाएगा आठ सत्तर छप्पन। अब जो हम पूछेंगे उस बात को एक एक शब्द में बताइएगा, कौन आएगा पहला शब्द, तो कह देना होगा सत्रहवां दिन सर स्टार्टर आएगा, ये आएगा पहला शब्द, पहला शब्द कौन आएगा भाई, तो ये आएगा। कितने रसगुल्ले खाएगा, तीन रसगुल्ले खाएगा। अब यहां पर जाएंगे कि रसगुल्ले बचा कितना है, बचा कितना है, तो रसगुल्ले बचा है चार, रसगुल्ले कितना बचा है चार, खाएगा कितना तीन, तो इसके खाने से भी ज्यादा है, इसका मतलब बी को भी लाना पड़ेगा। बात समझिए बाबू, बात समझिए, एक शब्द अब यहां पर क्लियर हो जाने चाहिए फाइनल। हम बोले छप्पन, हम बोले कौन आएगा भाई सत्रहवां दिन, तो आप बोले कि सर ये आएगा। ये से पूछे कितना रसगुल्ले खाते हो, बोला हम तीन रसगुल्ले खाते हैं, बोलेंगे कितना रसगुल्ले है भाई देखो, तो चार रसगुल्ले, इसका मतलब एक दिन में ये खा नहीं पाएगा, ओवरडोज तो लेना नहीं है, सेम जितना खाता है उतना ही खाएगा, तो ये हो गया। तो इसका मतलब अब इसको एक दिन पूरे पूरे दे दीजिए और ये इसको तीन रसगुल्ले खिला दीजिए, किसको भाई ए को, तो सत्रह दिन और इधर रसगुल्ले हो गया उनसठ। अब बोलेंगे अठारहवां दिन कौन आएगा भाई, तो आपका शब्द आएगा सर ए तो आ चुका है, अठारहवां दिन बी आएगा, तो बी से पूछेंगे तुम कितने रसगुल्ले खाते हो, तो कहते हैं हम चार रसगुल्ले खाते हैं, कितने रसगुल्ले चार रसगुल्ले। अब वहां जाके देखेंगे रसगुल्ले कितना बचा है, रसगुल्ले कितने बचे हैं, तो कहेंगे तो रसगुल्ला तो एक बचा है, ये कह रहा है कि हम चार खाते हैं, इसका मतलब यहाँ से अब समय लिखना जारी हो जाएगा, जितना बचा है उसको ऊपर, जितना खा सकता है उसको नीचे, कब, जब उसके खाने भर ना हो तब। बात समझिए, बात समझिए, ये कह रहा है कि हम अब अठारहवां दिन आने वाले हैं, बी की बारी है, कह रहा है कि हमको कितना रसगुल्ले चाहिए भाई चार, तो कहेंगे देख रहे हैं कितना रसगुल्ले है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास रसगुल्ले तो भैया एक हैं, तो कह रहा है कि तब दिनों भर हम नहीं खा पाएंगे, कितने दिन खाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्रह पूर्णांक, सत्रह पूर्णांक। कितने रसगुल्ले बाकी हैं भाई, तो एक रसगुल्ले, खा कितना सकता है चार, कई का पट्टा में चार ही क्यों लिखे, सत्रहवां दिन, सत्रहवां दिन जो एक दिन था सत्रहवां दिन, उसमें कौन आ चुका है, ए आ चुका है, तो कौन आएगा बी, बी का वैल्यू कितना है, तो बट्टा में चार ही जाएगा ना, बट्टा में कितना जाएगा चार ही जाएगा, इसलिए मेरा आंसर हो गया सत्रह पूर्णांक एक बट्टे में चार दिन। पुनः एक बार इसको और एक क्वेश्चन ऐसा एक और देंगे, हटा रहे इसको, पुनः एक बार मेरे शब्दों को पकड़िए, मेरे शब्दों को पकड़ के अपने दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि मेरे शब्द का ही गेम है और इसी से आप बन सकते हैं बिगड़ सकते हैं। ए बी बीस कितना पंद्रह साठ कितना तीन चार, हम कह रहे हैं ए उसके बाद बी उसके बाद ए उसके बाद बी, अब कहे कि कितना तीन चार, तो बोले कि चार तीन सात, सात कितना दिन में भाई, कितना दिन में सात, कितने दिन में, तो दो दिन में, कहे कि दो दिन में सात रसगुल्ले, कितना से गुणा करें कि साठ हो जाए, तो कहिए आठ से, तो कितना हो गया आठ सत्तर छप्पन, आठ दुना के सोलह, इधर हो गया छप्पन। अब हम बोलेंगे सत्रहवां दिन कौन आएगा, तो हम बोले हैं विषम दिन पर हमेशा कौन आता है स्टार्टर, कितना खाएगा पूछेंगे तुम कितना खाओगे तीन, उधर देखेंगे कि मेरे पास कितना एस्टिमेट है, तो देख रहे हैं मेरे पास है चार, खाएगा कितना तीन है कितना चार, इसका मतलब एक दिन खाने के बाद भी अगला को बुलाना पड़ेगा, तो बोलेंगे ए आ जाओ और एक दिन पूरा अपना खा लो और निकलो यहाँ से, सत्रह इधर हो गया उनसठ। अब किसकी बारी है, बी की। अब पूछेंगे बी भाई तुम कितना खाते होती, कहता है हम चार खाते हैं, तो तुम्हारे अब देखेंगे कि हमारे पास है कितना, तो मात्र एक ही है, जबकि ये खाता कितना है चार, इसका मतलब एक दिन अब नहीं खा पाएगा, इसका मतलब सत्रह पूर्णांक, जितना खा सकता है उसको नीचे, जितना बचा है उसको ऊपर। एक क्वेश्चन इस पर और देते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स बोलिए।
पी तथा क्यू किसी काम को 16 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक एक दिन बारी बारी से काम करें और उसके बाद कार्य प्रारंभ क्यू करें तो कार्य कुल कितने समय में समाप्त हो जाएगा बताइए। फर्स्ट दो तीन शब्द ही हम पूछेंगे हमेशा, दो तीन से ज्यादा नहीं पूछेंगे। दो तीन के बारे में कमांड है आंसर, ये क्वेश्चन बन जाएगा बस। आ गया होगा, चलिए अब हम देखते हैं। पी क्यू का एलसीएम, पी क्यू का एलसीएम 16 और 20 का एलसीएम 80, ये पांच बार में, ये चार बार में। कौन पहले? क्यू, क्यू उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी। रिपीटेशन कितने दिन पर? दो दिन पर। रिपीटेशन दो दिन पर। अब देखेंगे ये हो गया चार, ये हो गया पांच, फिर चार, उसके बाद पांच। अब हम कह सकते हैं दो दिन बराबर नौ रसगुल्ले। दो दिन बराबर कितने रसगुल्ले बाबू? नौ रसगुल्ले। दो दिन में कितने रसगुल्ले? हम जो पूछेंगे कितना से गुना करें कि 80 हो जाए, तो 9 9 81 नहीं होगा, 8 9 72 यानी 8 से गुना होगा, 8 से इधर, 8 से तो इधर हो गया 16, इधर हो गया 72। जो शब्द पूछेंगे उसके बारे में पहला ज्ञान। 17वां दिन कौन आएगा? स्टार्टर। कौन? पहला शब्द। 17वां दिन कौन आएगा यानी विषम दिन कौन आएगा, ऑड स्थान पर, ऑड प्लेस पर कौन आएगा? स्टार्टर। अब पूछेंगे तुम कितना खाते हो भाई, तो कहेगा चार रसगुल्ले। अब देखेंगे मेरे पास बचा कितना है, तो देख रहे हैं 80 में से 72 समाप्त है, तो बचा कितना है? 8। जबकि ये खाएगा कितना? 4। इसका मतलब बोलेंगे तुम एक दिन खा के निकल लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम खा के निकलो। कितना? 4। क्यों? क्योंकि बचा कितना है? 8। तुम खा कितने सकते हो? 4। और आने की बारी तुम्हारी ही है, आना किसको है? 17वां दिन क्यू को। तो कहेंगे एक दिन आओ अपना खा के निकल लो, नहीं तो ज्यादा खाया तो तुम्हारा स्थिति भी खराब हो जाएगा, ठीक है, इस समय दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इसका मतलब 17 दिन हो गए और 17 दिन में कार्यवाही कितना का हुआ? 76। और ये 17 दिन, अब पुनः एक शब्द पूछेंगे 18वां दिन कौन, तो सम दिन में सेकेंड वाला क्यू आ गया, तो अब कौन आएगा? पी आएगा, पी आएगा। अब पी से पूछेंगे तुम कितना खाते हो भाई, तो कहेगा 5। अब देखेंगे मेरे पास 5 है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है, तो देखेंगे यहाँ पर जगाएंगे तो भैया 5 नहीं है, 80 और 76 तो समाप्त हो गए, 4 ही है, होना कितना चाहिए? 5 है, कितना? 4। क्यू के लिए टोटल था, क्यू के समय में मेरे पास 8 था, 72 समाप्त था, 8 था, ये खा कितना सकता था? 4, तो 4 इसको दे दिए, बचा कितना? अभी भी 4। खा कितना सकता है? 5। जितना कोई खा सकता है उससे कम हो तो उसको अब समय लिखते हैं, 17 पूर्णांक कितना बचा है भाई? 4। कितना खा सकता है, क्योंकि बारी किसकी है? पी की, 5, यानी 17 पूर्णांक 4/5। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तीन पर, तीन पर हटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहे हैं। अगले क्वेश्चन 7 नंबर जो होंगे तीन पर होंगे, ए बी सी पर। पुनः एक बार फर्स्ट, पी क्यू 16 20, एलसीएम 80, 5 4, क्यू पहले पी, उसके बाद क्यू पहले फिर उसके बाद पी, उसके बाद यहाँ पर आ गया 4 5। हम कह देंगे दो दिन में 9 कितना से गुना कर दे, तो 8 से, 9 8 72, 8 से यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना से भाई, कितना से करेंगे इसको, इसको और उधर लेके चल जाते हैं, क्यू पी, क्यू पी को ही और इधर, 4 5 4 5। स्टार्टर कौन है? दो दिन में 9, दो दिन में 9, कितना से गुना? 9 से होगा नहीं, 8 से गुना, 8 से गुना, तो 8 से होगा, तो 9 8 72, ये कितना? 16। 17वां दिन कौन? विषम दिन स्टार्टर, कितना? 4, कितना? 4, जबकि है कितना? 8, तो कहेंगे तुम पूरा खा, तुम्हारे बस की बात नहीं,
और निकलो चार, तीसरी स्थिति में 17 दिन में 76। अब कितना बचा, अब बचा कितना, अब बच गया कितना हो, तो अब बच गया चार। और कितना खा सकता है पी, क्योंकि क्यू के बाद पी एक बारी आएगा, तो 17 पूर्णांक बचा कितना, चार, खा सकता है पाँच। अब इस पर नहीं, अब तीन पर होंगे गेम, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे आप लोग। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों बारी बारी से काम करें, एक एक दिन करें और एक कार्य प्रारंभ करें, तो कह रहे हैं कि बताइए कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। जल्दी डरिए मत, डरिए मत, हमारे रहते मत डरिए, बना डालिए, बनाइए बनाइए, आ जाएगा, जल्दी बनाइए फास्ट। हाँ हम दिखा रहे हैं, पहले कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा सी, पहले आएगा फिर ए, फिर बी, फिर सी, कितना दिन पर, तीन दिन पर रिपीटेशन, ए बी सी 10, 12, 15 एलसीएम 60, 6, 5, 4 6, 5, 4 तीन दिन में कितने कार्य, तीन दिन में जोड़ लीजिए 11, 4, 15 तीन दिन में 11, 4, 15 पंद्रह, कितना से गुना कर दे कि 60 आ जाए, तो कहिएगा सर 4 से, इधर भी 4 से, यानी आंसर 12 दिन, इधर कितना 60 काम, मेरे को आंसर मिल गया 12 दिन। कितना आसान है देख पा रहे हैं। इसका एक और आपको टॉपिक बनाएंगे इसमें से, और हार्ड हार्ड भी क्वेश्चन, अभी एक दो क्वेश्चन और कराते हैं उसके बाद इसको एंड करेंगे, इसका और हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी इसमें आपको ये उपलब्ध कराएंगे। हटा रहे हैं इसको, आप कहिएगा सर और मेथड है ना, वो मेथड कौन सा, कि पहले चेक कर लीजिए कि इससे क्या, इस इन तीनों से ये कट रहा है, तो तीनों को जोड़े तो 15 कट रहा है, 60 × 15 बराबर कितना बार में, चार बार में, चार में कितना से गुना करना होगा, जितने लोग होंगे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तीन लोग, तीन चढ़ती हैं 12, कब, जब इन लोगों से पूरे पूरे कट जाए तब। चलिए हटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कीजिए। पी क्यू आर किसी काम को 10, 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं क्रमशः। तीनों बारी बारी से काम करें, एक एक दिन, और उसके बाद क्यू प्रारंभ करें, उसके बाद आर, उसके बाद अंत में पी हो, इसका मतलब सीक्वेंस ऐसे बनेगा क्यू उसके बाद आर उसके बाद पी फिर क्यू उसके बाद आर उसके बाद पी, ऐसे ऐसे सीरीज बनेगा, ऐसे ऐसे सीरीज बनेगा। तो कह रहे बताइए कि कार्य कितने दिन में समाप्त कर दिए जाएंगे, बताइए। तो फर्स्ट आपके रेंज में है, रेंज में है आपके, आप बहुत बड़े हंटर हैं, शिकारी हैं, बस शिकार को चूज कीजिए, किसका शिकार करना है, बाकी तो हो ही जाएंगे। आया क्या, आ गया, हाँ आ जाना चाहिए, अब तक आइए देखते हैं हम पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना हो गया, हो तो पी क्यू आर थोड़ा डेंटल छोटा छोटा लिखें, 10, 20, 30 एलसीएम 60, 6 उसके बाद 3 उसके बाद 2, पहले कौन क्यू तो कितना 3, उसके बाद आर कितना 2, उसके बाद कौन कितना तो 6, उसके बाद फिर 3, 2, 6। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे रिपीटेशन कितना दिन पर, तीन दिन पर, तो हम कह सकते हैं तीन दिन में जोड़ लेंगे 5, 11, कितना से गुना कर देंगे 60 हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं है, 5 से गुना करेंगे तो 55 होगा, 6 से करेंगे तो 66 होगा, तो 55 करेंगे ना 5 से,
पाँच से गुना करेंगे तो कम रहेगा, छः से गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो अधिक तो लेना नहीं है। पी हो जाएगा पंद्रह और ये हो जाएगा पचपन। हम जो बोलेंगे उस बात को समझिएगा, जब भी काम स्टार्ट होगा स्टार्टर आएगा तो यहाँ से अब फिर से काम स्टार्ट होने वाला है। सोलहवा दिन, पंद्रह दिन तक हो गया है, सोलहवा दिन फिर स्टार्ट होने वाला है। जैसे तीन दिन तीनों आया तो तीन पाँच बार आ गया, अब सोलहवा दिन फिर स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टर के पास पहुँचेंगे कि भैया तुम्हारा काम अब। कहिएगा सर सोलहवा दिन तो ये सेकेंड वाला आता है, भैया तीन लोग हैं, तीन में जब स्टार्ट होगा तो पहला आएगा। स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट। पंद्रह दिन के बाद सोलहवा दिन स्टार्ट करना है पुनः, तो कौन आएगा? क्यू। क्यू से पूछेंगे तुम कितना खाते हो, तो कहेगा तीन रसगुल्ले, तो देखेंगे कितना रसगुल्ले बाकी है, साठ में से पचपन आउट, कितना बाकी है? पाँच, यानी इसकी बस की बात नहीं है। तो क्यू को लिख देंगे एक दिन और कहेंगे तीन रसगुल्ले खा के निकल लो, तो सोलह दिन हो गया और रसगुल्ले हो गए अंठावन। इसके बाद अब किसकी बारी है? आर का। पूछेंगे कितने रसगुल्ले खाओगे, तो कहेगा दो, देखेंगे हमारे पास कितना है, साठ में से अंठावन आउट, कितना बचा है? दो, यानी सही बचा है। इसका मतलब एक दिन आर आएगा और दो रसगुल्ले खा जाएगा, इसका मतलब कि सत्रह दिन में साठ रसगुल्ले गायब हो जाएंगे, यानी आंसर सत्रह। एक बार पुनः देख लीजिए और बताइए कि मेरे को कहाँ पंगा हो रहा है, आपको बताइए, देख लीजिए अच्छा से, हटा रहे हैं। फिर से पहले Q, उसके बाद R, उसके बाद P, उसके बाद Q, फिर R, उसके बाद P, तीन दिन पर रिपीटेशन। पुनः P Q R 10 20 30 LCM 60 6 3 2, पहले Q 3 फिर 2 फिर 6 फिर तीन फिर दो फिर छः, कितने दिन पर रिपीटेशन? तीन दिन पर। तीन दिन में कार्यवाही कितना हुआ, तो जोड़ लेंगे ग्यारह, कितना से गुना? पाँच से। कितना से गुना? पाँच से। क्यों? क्योंकि ग्यारह पच्चीस पचपन, छः से करेंगे तो छाछठ हो जाएगा, तो पंद्रह दिन और उसके बाद पचपन। किसकी बारी? जो से स्टार्टर था, क्यू की बारी, क्यू शुरुआत यही करेगा। फिर इतना हो जाने के बाद जितना से आप गुना कर देंगे, ये भी बात रट लीजिए, जितना से आप गुना कर देंगे ना, जब भी स्टार्ट होगा तो इसमें देख लीजिएगा स्टार्टर कौन है, जब भी स्टार्ट होगा तो इतना गुना करने के बाद जब भी स्टार्ट होगा तो इसमें देख लीजिए स्टार्टर कौन है, क्यू। पूछेंगे क्यू तुम कितना खाते हो, तो पूछेगा कहेगा तीन, तब देखेंगे कि मेरे पास है कितना, साठ में से पचपन आउट, कितना है? पाँच है, जबकि तीन ही खाना है, तो एक दिन कहेंगे खा के जाओ निकल जाओ, तो ये सोलह दिन, ये अंठावन। अब किसकी बारी आ गया? आर का। पूछेंगे तुम कितना खाते हो, तो कहेगा दो, है कितना मेरे पास? साठ में से अंठावन आउट, दो बचा है, तो कहेंगे तुम्हारे लिए भी भरपूर है, खा के तुम भी निकल लो, सत्रह ये साठ। एक क्वेश्चन लास्ट आप लोगों के लिए, अगले दिन के लिए दे दे रहे हैं, यानी आप उसको बना के रखेंगे, आप नेक्स्ट दिन उसको पढ़ेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप बना के रखेंगे, हाँ बस रिवीजन पर्पस से दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसी में चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बना लीजिएगा, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। सोलह बीस और इधर आपका हो गया पच्चीस, अब बना लीजिएगा क्वेश्चन, इसका चाहिए कुल समय, ठीक है, बना लेंगे क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि नहीं, इस पर लिखने में हाथ दर्द करने लगता है, अब इसको माने या ना माने वो तो अलग बात है, लेकिन हकीकत में इस पर लिखने में उतना लिखने का तो अब आदत बचा नहीं है, केवल बनाने का आदत बचा है, लेकिन लिखना पड़ता आप लोगों के लिए, क्योंकि दिखे आप लोग क्वेश्चन सामने, नहीं तो अब तो हाथ लेवे से तो अच्छा लगता नहीं था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स बाबू, जय हिंद।